दोनों आलम की रहमत मदीने में है, दोनों आलम की रहमत मदीने में है, रहमतों का खजीना मदीने में है, रहमतों का खजीना मदीने में है। क्या कहूँ कितनी पुरकैफ है जिंदगी, क्या कहूँ कितनी पुरकैफ है जिंदगी, जब से अपना ठिकाना मदीने में है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आप हज करने के लिए फकत जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए, दोबारा नहीं गए। का एक मरतबा गया हूँ कि हज करना फर्ज है, दोबारा नहीं जाता कि कहीं उधर ही मौत ना आ जाए। क्या कहूँ कितनी पुरकैफ है जिंदगी, क्या कहूँ कितनी पुरकैफ है जिंदगी, जब से अपना ठिकाना मदीने में है। शाहबलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी ने अनफासुल आरिफीन एक किताब लिखी है, उसमें बताया मेरे वाले साहब शाह अब्दुल रहीम साहब ने आले मदीना के कितने लोगों से इस्तेफादा किया, कितने लोगों से फैज हासिल किया और वली बने। वो अपने वाले साहब को वली कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस्तेफादा कितने लोगों से किया। कहा मदीना तो ये बात में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था अब्दुल नबी कशाशी, अब्दुल नबी नबी का गुलाम है ना बात, नबी का गुलाम। इससे पता चला जिनसे लोग फैज हासिल करके वली बनते रहे उनके नाम अब्दुल नबी होते रहे। दौरे हाजिर में तो उनके खानदान के ही बंदे हैं जिन्होंने लिखा है अब्दुल नबी नाम रखना शिर्क है, नबी का बंदा, बंदा अल्लाह का है, नबी का कहां बंदा है। लेकिन आले हक आगे बतलाया वही बंदा अल्लाह का बंदा है जो नबी का बंदा है, जो नबी का बंदा नहीं बन सका वो खुदा का बंदा क्या बनेगा। अब्दुल नबी के शाशी क्या करते हैं, वो मदीना तैयबा में रहते हैं और बड़ा हुजूम उनके गिरदागिर्द हो गया, कुल रुए जमीन के जुमरा है औलिया अल्लाह उनके पास इस तरह होते जिस तरह शहद की मक्खियां शहद पर इकट्ठी होती हैं। अब उस वक्त की हुकूमत डर गई कि ये दरवेश अगर इसी तरह रहा तो कहीं हमारा तख्ता ही न उलट दे। उन्होंने पाबंदी लगा दी कि तुम यहाँ सरकार के रोजे पर नहीं बैठ सकते हो। उनका मदीने में तो रहने दोगे, उनका मदीने में रहने देंगे इस शर्त पर कि मदीने में कोई बाइज्जत काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं गद्दी लगा के बैठो तुम्हारे गिर्दागिर्द मुरीद इकट्ठे हो, नहीं पीर बन के नहीं बैठ सकते हो, आलिम बन के नहीं बैठ सकते हो। उनका क्या कर सकते, उनका गली को कूचों में झाड़ू दे सकते हो, उनका जहे नसीब। उनका कि अगर मैं कबाड़िए की दुकान बना लूं, ये बोतलें शीशियां डिब्बे गत्ते और कूड़ा करकट जो इधर उधर पड़ा होता है, अगर मैं इकट्ठा करके इनको दुकान बना लूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं। उनका ठीक है। अब जनाब कशाशी कहते हैं कबाड़िए को, तो अब जनाब कबाड़िया बन के मदीने से पूरी डूबे जमीन के औलिया अल्लाह का सरदार मदीना शरीफ का कबाड़िया है। अब वो कबाड़िया बन के तीन डिब्बे इकट्ठे करके बेच रहे हैं, बरसी किए लोग। उनका तुम मेरी जगह जाकर के सरकार की बारगाह में सलाम पड़ा करो और शाम के वक्त आकर मुझसे मजदूरी ले लिया करो। ये अनफासुल आरिफीन के अंदर लिखा है शाह वलीउल्लाह साहब ने, शाम के वक्त आकर मुझसे मजदूरी ले लिया करो, सलाम मेरी तरफ से पढ़ा करो, मजदूरी मुझसे ले लिया करो, तुम पढ़ो मजदूरी मुझसे लो। मालूम हुआ कि मजदूरी पर भी दरूद पढ़ाना जो है ये दुरुस्त है औलिया अल्लाह के जुमरों में। जाके वहां दरूद ही पढ़ो, सरकार को राजी करो, पैसे मुझसे ले लिया करो। तो बहुत सारे औलिया अल्लाह कर आपसे पूछे कि ऐ अब्दुल नबी कशाशी तेरे जैसा अजीम अल मर्तबत इंसान वो आकर के यहाँ कटीन डिब्बे भोसले शीशियां और कूड़ा करकट इकट्ठा करे, उनका मुझसे ना पूछो। पुकारे कोई दुस्कारे कोई दीवाना समझ के मारे कोई, मैं बन के भिकारी फिरता फिरूं तैबा के भरे बाजारों में।
तहबा भरे बाजारों में। बुहारी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक दरवाज दरवेश हरबैन शरीफ है, इनकी हाजिरी के लिए गया तो आपने फरमाया जब मदीने शरीफ जाओगे वहां के कुत्तों का भी लिहाज रखना। जब वो दरवेश वापस लौट के आया आपने हाथ बांधा हुआ बूढ़े कलंदर ने पूछा, हजरत ये हाथ क्यों बांधा हुआ है? कहा ये जख्मी हुआ है। कहा कैसे जख्मी हुआ है? कहा किसी का पाँव मेरे हाथ पर आया है। उन्होंने कहा जनाब आपके हाथ पर पाँव आने का क्या चांस है, लोग आपके हाथ चूमते हैं। फरमाया जब तुम मदीना तैयबा गए थे तो मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं वहां के कुत्तों का भी ख्याल रखना? ये कहा था। कहा जब बाबुल सलाम से तुम गुजरे जा रहे थे एक कुत्ते के पाँव पर तेरा पाँव आया था कि नहीं आया था? फरमाया वो कुत्ता नहीं था, वो अबू अली कलंदर साहब अपना रूप बदल के सरकार की बारगाह में बैठा हुआ था। पुकारे कोई धुतकारे कोई दीवाना समझ के मारे कोई, मैं बन के भिकारी फिरता फिरूं तैबा के भरे बाजारों में। जब उस मदीना तैयबा को इमाम हुसैन छोड़ने लगे होंगे, रात का वक्त है, रजब की 27वीं तारीख है, सरकार के रोजा से बजा के खड़े होते हैं, सरकार को खिताब करते हैं, ऐ दोनों जहान के वीरों मुख्तार, ऐ सारे जहान की बिगड़ी बनाने वाले, आज तेरे हुसैन पर वो वक्त आ गया है जिसकी निशानदेही आपने की थी,